एज एक्सपेक्टेड हम सब लोग लेट उठे हैं और अब हम रेडी होके मालूम जब बजाने लगे हैं। ये है सुबह का मंजर होटल से। ये दरिया है, ऐसे तो खारा लग रहा है लेकिन ये दरिया है। बर्फ का पानी आता है, सारा कुछ ओके है, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे हम सर्दी देखने आए थे या गर्मी। सूरज देख ले कितना तेज हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम मालम जबा की तरफ रवा दवा हैं। ये हम लोगों के साथ हमारे ड्राइवर मारी जैसान, जो कि बहुत ही काबिल ड्राइवर हैं। ये अरसलान बेकसूर, जिनका इस दुनिया में आने का कोई कसूर नहीं है। इसके साथ आप देख रहे हैं फैसल तुफैल, जिन्हें हम जिसने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। वो पीछे अदनान मुस्तफ़ा साहब हैं जो कि इस टाइम पिंजरे में लगे हुए हैं। उसके साथ रहमानी ब्रोज बैठे हैं, फरहान रहमानी। इन्होंने आज बहुत मेहनत की है अपने हेयर स्टाइल पे। इसके बिल्कुल आगे हमारे शेफ जनाब वकास हैदर साहब हैं, जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। इनकी चाय की जो लज्जत है, वो चाय की लज्जत होती है सर, होती है। इनकी जो चाय की लज्जत लज्जत ने हमें हमारे ट्रिप को चार चांद नहीं लगा दी। ओके की रिपोर्ट है। इसके आगे ये बैठे हमारे भाई अली रजा साहब, ये दुबई से। इन्होंने इनकी वजह से हमने ट्रिप प्लान किया है। हमें लगा कि ये आएंगे, हमें टाइम देंगे तो हम अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। तो इसके बाद नाज़रीन फाइनली ये आपके सामने मैं खुद आ गया हूँ। ऐसे पीछे ले आ, फिर पीछे ला, फिर कर इधर से अब काट देगा वो खुद। हाँ काट दूँगा। नाज़रीन अब आपके सामने फाइनली मैं खुद हाजिर हो गया हूँ। हम मालूम जबा की तरफ रवा दवा है। ये हमारे सारे भाई हमारे साथ हैं। हमने ये सारा लंडा सबने आज इकट्ठा पहना हुआ है। ये सवात से मालम जब्बा का सफ़र तकरीबन 40 किलोमीटर है और ये फासला तय करने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन कैसी है। तो फाइनली हम मालम जब्बा पहुंच चुके हैं और इस वक्त पार्किंग नहीं मिल रही। सूरज निकला हुआ है और ये है यहाँ का सीन। जब आप मालूम जब आप पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे शूज़ किराए पे मिल जाएंगे, स्टिक्स और शूज़। तो अगर इन केस आपको बर्फ़ वाले शूज़ आपको नहीं अवेलेबल आपके एरिया में, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये पॉइंट है जहाँ से आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और उसके साथ चेयर लिफ्ट की टिकट भी आपको मिल जाती है अगर आप लेना चाहें तो। यहाँ से आपको टिकट मिल जाती है पीछे पीसी, और ये दिख तो नहीं रही लेकिन ये है जिप लाइन का एंडिंग पॉइंट। वो है सामने स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा भाई, और ये है इंटरनेशनल स्कीइंग का ट्रैक। किस तरह की टिकट होती है? ये एंट्री और चेयर लिफ्ट की टिकट है। नूर खान भाई और ये हमारे गाइड हैं इस पूरे ट्रिप के मालम जबा के साथ। हम जा रहे हैं और ये हमें एंजॉय करवाएंगे। क्या क्या चीजें थी नूर खान भाई आप बता रहे थे? हाँ जी भाई, लोगों को अभी हम स्क्रीन करा रहे हैं, कह रहा है जो है ना ट्रिप पे जितने ने यहाँ पे 3-4 एक्टिविटीज है मजे के ट्रिप्स कर रही है इंशाल्लाह। वो क्या की देखते हैं अभी। पहली एक्टिविटी हमारी है स्कीइंग की, तो हम उधर जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगी हमारी चेयर लिफ्ट, तो अभी स्कीइंग पे मिलते हैं। ये है स्कीइंग का इंटरनेशनल ट्रैक और ये भाई जान ने तितर बितर कर दिया है।
जंतु गिरा जनता भागी आई है उसका रास्ता बन गया रहेगा ये है ट्रैक सही मुझे ना सिर्फ प्रोफाइल वीडियो थोड़ी नूर खान हमारा लोकल गाइड था और उसने हमसे 1800 रुपये पर पर्सन चार्ज किए जिसमें स्कीइंग ट्यूब स्लाइडिंग चेयर लिफ्ट और एंट्री शामिल थी ये हमारा पॉइंटर यहाँ से हम अपने स्कीइंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे हैं और ये देखें जी मारी साहब इस वक्त रेडी हो रहे हैं टीशम टैट हो रहे हैं ये हमने शूज पहन लिए स्केटिंग वाले कसम से सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा हम यहाँ पे मालम दोबारा मालम जब पहुंच गए स्की रिजॉर्ट में और अब हम स्की करने लगे हैं सारे बंदे रेडी हो रहे हैं हम तीन रेडी हो गए बाकी सारे रेडी हो रहे हैं हमारे चल सुंदर का हाथ रखो एक हाथ की सुंदर तक एक हाथ पे अपने मुंह बना चलो ओ जा रहे हैं समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है हाय ये मैंने पहली राइड ली है स्कीइंग की और बाकी अभी सारे ऊपर हैं वो लेंगे अब मैं इधर खड़ा उनका वेट कर रहा हूँ एक्सीडेंट स्कीइंग हो गई है अब हम जा रहे हैं ट्यूब स्लाइडिंग के लिए बड़ा मजे का ट्यूब स्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे ट्यूब स्लाइडिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट पे यहाँ से चेयर लिफ्ट चलेगी और हमें ऊपर लेके जाएगी ये जी अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट पे नूर खान साहब के साथ हमारा ट्रिप इधर तक ही था इंशाल्लाह शायद मुलाकात हो नूर खान साहब के साथ हमें बहुत मजा आया इन्होंने बहुत हमें इंजॉय करवाया है बहुत अच्छे बंदे हैं ये कैसा लगा हम लोग रहीम यार खान से आए हैं इसी तरह लोग आते हैं ना तो हम खुश होते हैं यकीन मानो बस इन लोगों की वजह दिहाड़ी लगती है खुश होते हैं खान साहब हमारे दोस्त आएंगे तो आपने उनको प्रोटोकॉल देना है हम आपको कॉल किया करेंगे ठीक है खान साहब ठीक हो गया तो हम टॉप पे पहुंच गए हैं अच्छा सिग्नल यहाँ पे तमाम नेटवर्क्स के आ रहे हैं और अगर कोई कॉल या मैसेज वगैरह करना चाहे तो वो होता है 3G शो करवा रहा है फ़ोन लेकिन अभी तक इंटरनेट ने कोई ख़ास मज़ा नहीं करवाया यहाँ पे नाम क्या आपका मोहम्मद इस्लाम साहब हैं अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय पिला रहे हैं ये अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय पिलाएंगे साथ हम इनसे अभी पकोड़ा भी खाएंगे खान साहब हमें कहते हैं कि ये पकोड़ा जो है ये कंपनी के हैं तो ये मैकडोनल्ड से रिलेटेड है ऐसे ही खान साहब खान साहब कितना हो जाएगा जल्दी बताओ बस आ जाओ ना कितने कितने प्लेट बताओ हम 8 अभी हम पकौड़े खा रहे हैं और चाय भी आ रही है अच्छा एक प्रो टिप अगर आप लोग यहाँ पे आके कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो हमेशा बार्गेन करेंगे तो आपको रेट सस्ता मिल सकता है अभी ये लोग कह रहे थे पकोड़े की जो प्लेट है वो 180 की थी वो हमने 160 की करवाई है और चाय 80 की दे रहे थे वो हमें पर पीस या पर आइटम 50 रुपए की पड़ी है तो ऑलवेज बार्गेन और इन्जॉय फाइनली अब हम लोगों ने मालूम जब वाला सीन कर लिया और वापस जा रहे हैं आवाज़ एक्सपीरियंस
लेवल का यार, बहुत क्लास का एक्सपीरियंस था। ऊपर का बहुत अच्छा था, रास्ता थोड़ा सा है खौफनाक, बट ऊपर काम सब ओके। मैं यहाँ पे क्लियर करता देखूँ कि रास्ता खतरनाक उस लेवल का नहीं है, लेकिन भाई का दिल थोड़ा छोटा है तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं है। रोड अच्छी है और आप लोग इजीली आ सकते हैं। और शूज स्लिपरी नहीं होने चाहिए, आपके शूज सही होने चाहिए, ग्रिप अच्छी। You got shoes, bro? Yeah. दिखाना यार, शूज दिखाना। मलम जब आए और शशका ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं था। तो अब जाएं, जाके शशके देखें। मैं हूं आरवी, आप देख रहे हैं रजा व्लॉग्स, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तेरी पल को से मिला दे आंसू तेरे सारे, तेरी पल को बे सजा दे कुछ इस तरह, तेरी पल को बे सजा दे कुछ इस तरह।